Good morning, everyone. Welcome you all for the inaugural sessions which are scheduled in the Unnati Industrial Expo being organized by UT of Dharanagar Haveli Damandiv for the first time. And this Industrial Expo shall be an annual or biennial session in future. So the first session is on MSMEs and the MSME policies in the UT of Dadranagar Haveli Daman and Diu and way forward. As you all know, MSMEs are very important for the economy of the country, and Government of India has recognized this and has given many benefits to MSMEs right from the start. MSME जो पहले का definition है वो 2020 में उसको बदल के उसका limit बढ़ाया गया है. पहले MSME 10 करोड़ रुपए तक जिसका प्लांटेड मशीनरी में इन्वेस्टमेंट है वो MSME कहलाता था, और उसके बाद अभी 50 करोड़ तक की इन्वेस्टमेंट और 250 करोड़ तक की टर्नओवर को MSME कहलाता है. तो इससे बहुत सारे यूनिट्स को MSME के अंदर लाया गया ये लिमिट्स बढ़ाने की वजह से. उसके वजह से बहुत सारे MSMEs को बहुत सारे सरकारी स्कीम्स का लाभ होने वाला है. और MSMEs का एक अहम भूमिका इसलिए है क्योंकि MSMEs ज़्यादातर लेबर इंटेंसिव रहते हैं, और MSMEs में ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होता है. बहुत लार्ज यूनिट में ये माना गया है ऑटोमेशन ज़्यादा होगा और बहुत सारे अत्याधुनिक उपकरण होंगे, उसके वजह से एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल MSME का जितना है उतना लार्ज इंडस्ट्री का कम रहेगा. तो ये MSMEs को इसलिए भारत सरकार ने भी और यूटी सरकार ने भी बहुत प्राधान्यता दी है, और करीब भारत सरकार ने करीब 50 के ऊपर स्कीमें MSME की. और कल माननीय प्रशासक श्री प्रफुल्ल भाई पटेल जी के मार्गदर्शन में और उनके नेतृत्व में यहाँ पे एक अच्छा सा भव्य फंक्शन हुआ. माननीय मंत्री श्री पीयूष गोयल, वाणिज्य मंत्री भारत सरकार के कर कमलों से एक निवेश प्रोत्साहन योजना 2022 का आयोजन किया गया था, और उसमें ये MSMEs की अहम भूमिका के लिए 14 स्कीम हमने यहाँ पे निवेश प्रोत्साहन के लिए उसमें हमने इंक्लूड किया है. और जो पहले कैपिटल सब्सिडी 25 लाख तक मिलती थी और उस 25 लाख की राशि को बढ़ा के अप टू 45 लाख तक MSMEs को मिल सकेगा, और इंटरेस्ट सब्सिडी जो ब्याज की सब्सिडी है वो 50% से लेके 70% तक अलग अलग कैटेगरी जिसमें वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को हमने प्राधान्यता दी है और स्टार्टअप्स को भी प्राधान्यता एडिशनल बेनिफिट दी है. जैसे यहाँ पे बहुत सारे यंग जो क्राउड है वो भविष्य में एक स्टार्टअप सेटअप कर सकते हैं, तो आप सभी को मुद्दे नजर रखते हुए ये आपको एडिशनल इंसेंटिव भी मिलेगी. तो वैसा सोलर पावर जनरेशन के लिए भी इंसेंटिव इंक्लूड किया गया है. एक्सपोर्ट वैल्यूज डबल करने के लिए अगर महिलाएं हैं तो उनको एडिशनल इंसेंटिव मिलेगी, और फ्री ऑन बोर्ड मतलब जो भी एक्सपोर्ट करने के लिए जो आपकी जो सामान जो पोर्ट तक पहुंचती है
वहां तक की जो आपकी एक्सपेंसेस है उसके रिइंबर्समेंट के लिए भी फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में प्रावधान दिया गया है। और बहुत सारे हैं जो ट्रेडमार्क असिस्टेंस और इनोवेशन को प्रोत्साहन करने के लिए भी उसमें योजनाएं इंक्लूड की गई है। अब देश में इनोवेशन की बहुत जरूरत है, जो माननीय प्रधानमंत्री जी उसको बार बार स्ट्रेस करते हैं, और इसलिए जो R&D करने के लिए आप सभी को प्रोत्साहन करने के लिए भविष्य में यहाँ इंक्यूबेशन सेंटर भी हम प्लान कर रहे हैं। स्किल डेवलपमेंट हर आदमी को जरूरत होती है। आज आपको जो नॉलेज है वो कल के लिए इररिलेवेंट बनेगा। मोबाइल फोन पहले नहीं था, अभी स्मार्टफोन आ गया, और भविष्य में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के तहत और भी नए नए आते रहेंगे, तो हर आदमी को अपने स्किल्स का अपस्किलिंग जरूरत है। आज का स्किल आपका इररिलेवेंट ना हो, और जैसे बहुत सारे लोगों ने कंप्यूटर 50 साल बाद सीखा है, तो ऐसे स्किल डेवलपमेंट असिस्टेंस के लिए भी हर बडिंग एंटरप्रेन्योर और स्टाफ ऑफ डिफरेंट एंटरप्राइजेस को भी 1.5 लाख रुपए पर कोर्स, अगर एक अच्छे नेशनल लेवल इंस्टीट्यूशन में कोर्स करते तो 1.5 लाख रुपए तक की उनको सब्सिडी मिलेगी। ऐसे बहुत सारे योजनाएं MSMEs के लिए आयोजित किया गया है, और सारे MSMEs इस प्रदेश के इसका लाभ उठाए और देश की जो ग्रोथ है उसमें अपना भागीदारी निभाए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। नाउ आई वुड लाइक टू इनवाइट मिस्टर कुलदीप सिंह, ब्रांच मैनेजर NSIC, फॉर अ प्रेजेंटेशन ऑन द स्कीम्स ऑफ NSIC फॉर MSMEs। नमस्कार आप सभी को, मंच पे विराजमान सभी अतिथिगण, और मेरे सामने मंच के साथ में जो बैठे हैं उन्हीं सबका, और साथ में भविष्य के, क्योंकि कल हमने करंट जितने भी एंटरप्रेन्योर्स हैं या जो भी इंडस्ट्रियलिस्ट हैं कल का जो प्रोग्राम था उनके साथ अटेंड किया, बट जो आज की जो जनता है, जो आज के जो पब्लिक दिख रही है, वो फ्यूचर के एंटरप्रेन्योर, फ्यूचर के जो भविष्य के जो उद्योगपति है उनकी संख्या यहाँ पे ज्यादा है। तो दोस्तों, जैसा कि मिनिस्ट्री ऑफ MSME, यानी कि अभी काफी सारी जगह टाइम से यहाँ बात हो रही है MSME। अब कितने लोगों को यहाँ पे जो है उनको MSME का मीनिंग पता है? कोई हाथ उठा के बताएगा? थोड़ा सा मैं उसको डिस्क्राइब करता हूँ, आपको समझने में थोड़ी आसानी हो और आगे का सेशन थोड़ा ईजी हो। MSME के बारे में कोई जानता है पीछे से? ओके, MSME जो वर्ड है वो सूक्ष्म, लघु और मध्यम, यानी कि जो कि घरों से जो छोटे छोटे उद्योग है, चाहे वो पापड़ बनाने का उद्योग हो, अचार बनाने का उद्योग हो, और उससे बढ़ के, यानी कि जो घर से स्टार्ट होने वाले छोटे छोटे, एक जो एक आदमी को भी एम्प्लॉयमेंट देता हो, वहां से स्टार्ट होके वो अराउंड 200 या 500 तक के लोगों को जो रोजगार प्रदान करता है उसको MSME कहा जाता है। और जैसे चैतन्य सर ने भी अगर आपको जो डिस्क्राइब किया कि जो एक MSME की डेफिनेशन है कि जो प्लांट और मशीनरी में जिसका 10 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट है उसको सूक्ष्म, यानी कि वो मैक्सिमम बेनिफिट उठा पाए मिनिस्ट्री की जो स्कीम्स हैं, इसलिए ये MSME यानी कि सूक्ष्म, लघु और मध्यम जो यूनिट्स हैं इनको मिला के, इनको कंबाइन करके MSMEs कहा जाता है। और ये जो हमारे उद्योग हैं भारत के, इसको सबसे ज्यादा हेल्प करने में MSMEs का योगदान है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ कि मारुति कंपनी जो है वो वर्ल्ड की बहुत ज्यादा गाड़ियां बनाने वाली कंपनी, बट क्या जानते हैं आप कि मारुति कंपनी मैक्सिमम काम अपना असेंबलिंग का करती है। उसका 80% जो काम होता है वो आउटसोर्स होता है, और वो उससे जुड़ी हुई छोटी छोटी 10,000 कंपनियां हैं, छोटी 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 छोटी, कोई कोई गियर बनाती है, कोई क्लच बनाती है, कोई लाइट बनाती है, कोई बल्ब बनाती है, इसी 10,000 MSMEs के साथ में मिलके मारुति कंपनी बनती है। तो MSMEs यानी कि सूक्ष्म, लघु और मध्यम जो यूनिट्स हैं इनकी ताकत का अंदाजा आपको हो गया होगा। उसके लिए, उसके बेनिफिट के लिए जो स्कीम्स हैं जो भारत सरकार के द्वारा, अलग अलग मंत्रालयों के द्वारा
अलग अलग उनके जो सपोर्टिंग अलग अलग क्षेत्र हैं उनके द्वारा कैसे सहयोग होता है उसका मैं थोड़ा आपको इंट्रोडक्शन दूंगा। यहाँ पे मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई के दो डिपार्टमेंट्स, एक है नेशनल एससीएसटी हब, राष्ट्रीय लघु उद्योग, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और जनजाति विभाग, साथ ही साथ नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन लिमिटेड जो कि एनएसआईसी है। ये दो डिपार्टमेंट है जिसको यहाँ पे मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। सो सबसे पहले दोस्तों एनएसआईसी की बात करते हैं। नेशनल स्मॉल इंडस्ट्री कॉरपोरेशन लिमिटेड 1956 में एस्टेब्लिश हुआ, जो कि भारत में इसके 156 सेंटर्स हैं ऑल ओवर इंडिया में, और गुजरात में तीन जगह पे है, सूरत में, राजकोट में और अहमदाबाद में। इसी तरीके से ये अलग अलग पूरे ऑल ओवर इंडिया में काम करता है, जिसका मेन उद्देश्य है जो एमएसएमईज हैं उनको डिफरेंट डिफरेंट एरिया में सपोर्ट करना। वो एरियाज होते हैं जैसे कि टेक्निकल सपोर्ट देना, ट्रेनिंग सपोर्ट देना, उनको रॉ मटेरियल के लिए असिस्टेंट प्रोवाइड करना, बैंकिंग फैसिलिटेशन प्रोवाइड करना, उनको मार्केटिंग सपोर्ट करना। इन को थोड़ा, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा इसकी डिटेल में ना चाहता हूँ, आपको जो मेन जो कीज पॉइंट है उनके बारे में बताता हूँ कि मार्केटिंग सपोर्ट में जो एनएसआईसी की जो स्कीम है उसमें जो एग्जीबिशंस होते हैं उसमें सपोर्ट किया जाता है सब्सिडी के साथ में। जनरल कैटेगरी के यूनिट्स हैं उनको अप टू 45,000 तक का स्टॉल की सब्सिडी प्रोवाइड की जाती है और डोमेस्टिक मतलब भारत में कहीं पे भी एग्जीबिशन करने के लिए। और इसी के साथ एक एमएसएमई मार्ट का एक पोर्टल होता है जिसको बी टू बी पोर्टल कहते हैं। उस पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन होता है किसी भी यूनिट का, वो आप अपने प्रोडक्ट को वहाँ पे उस पर डिस्प्ले कर सकते हैं, उसको रजिस्टर कर सकते हैं। और ये टोटल बी टू बी और बी टू सी, फ्लिपकार्ट अमेजन का नाम सभी ने सुना हुआ है, उसी तरीके का ये पोर्टल होता है जिसमें आप अपने प्रोडक्ट को घर बैठे ही अपलोड कर सकते हैं। इसमें कोई मीडिएटर नहीं है, फ्लिपकार्ट और अमेजन मीडिएटर का काम करते हैं, वो उसमें कमीशन लेते हैं, हर प्रोडक्ट का कमीशन लेते हैं। बट ये जो एमएसएमई को बेनिफिट देने के लिए एमएसएमई मार्ट जो है उसमें कोई गवर्नमेंट, क्योंकि डायरेक्टली से मीडिएटर गवर्नमेंट है तो उसके लिए उनका कोई बीच में कमीशन या सारी चीजें नहीं होती। वो एक पोर्टल है, डायरेक्टली आप उसमें अपने प्रोडक्ट को डिस्प्ले कर सकते हैं, बेच सकते हैं। इसी तरीके से रॉ मटेरियल असिस्टेंस की एक स्कीम है जिसके अंदर में जितने भी बड़े बल्क सप्लायर हैं, चाहे वो आप सेल ले लीजिए, कोल इंडिया ले लीजिए, जितने भी जो कि जैसे प्रोडक्ट वाइज में बात करें तो आयरन, स्टील, सीमेंट, कोल, बिटुमिन, ये सारे प्रोडक्ट को बल्क में एनएसआईसी परचेस करता है और जो उसको डिस्काउंट मिलता है वो छोटे छोटे एमएसएमई को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। मैं एग्जांपल आपको बताता हूँ, जो सेल हो गया या कोल इंडिया हो गया, ये मिनिमम क्वांटिटी इनका 1,000 टन, 5,000 टन इसी टाइप की सप्लाई करते हैं। और जो छोटा यूनिट है उसकी अगर कोई डिमांड है कि हमें तो मुझे तो 2 टन चाहिए, 3 टन चाहिए, एमएसएमई की बात कर रहा हूँ, तो वो एनएसआईसी से कॉन्टेक्ट कर सकता है। एनएसआईसी उसको डिस्काउंटेड रेट में, जो डिस्काउंट एनएसआईसी ने बल्क में जो एमओयू साइन किया है वो डिस्काउंट रेट पे उन एमएसएमईज को प्रोवाइड किया जाता है। इसी तरीके से रॉ मटेरियल के लोन, मतलब रॉ मटेरियल का असिस्टेंट भी प्रोवाइड किया जाता है कि आप कोई भी एमएसएमई है, कोई सा प्रोडक्ट या कोई सा परचेज करता है, मान लीजिए कोई कंस्ट्रक्शन कंपनी है, उसको स्टील चाहिए, सीमेंट चाहिए, तो एनएसआईसी उसको उस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए भी लोन प्रोवाइड करता है। जनरली बैंकिंग सिस्टम में क्या होता है, आप कोई मशीनरी खरीद रहे हैं, प्लांट बना रहे हैं, उसके लिए लोन मिलता है, कैपिटल सब्सिडी मिलती है, बट रॉ मटेरियल के लिए कोई भी स्कीम में लोन नहीं मिलता है, कहीं से सब्सिडी ही मिलती है। तो एनएसआईसी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप रॉ मटेरियल के लिए भी लोन ले सकते हैं और जिसका आप जो बिल है वो आप एनएसआईसी को आप परचेज कीजिए कोई प्रोडक्ट, और बिल आप उसको एनएसआईसी को सबमिट कीजिए, आपके बिहाफ पे एनएसआईसी उसको पेमेंट कर देता है, कुछ 3 मंथ का, 6 मंथ का जो एक ग्रेस पीरियड होता है उतने बीच में, बाकी जब तक आप अपना रोटेशन चलाते रहिए। इसी तरीके से चैतन्य सर ने एक बहुत अच्छी बात बोली थी, इंक्यूबेशन। इंक्यूबेशन एक शब्द है जो आई डोंट नो कि आप लोग कितने जानते होंगे। इंक्यूबेशन का जो वर्ड है उसका मतलब होता है कि आपका दिमाग, यहाँ पे सारे स्टूडेंट्स बैठे हैं और बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता है कि वो आने वाले टाइम में क्या करने वाले हैं और आने वाले उनको क्या करना चाहिए करियर अपॉर्चुनिटी के लिए। अभी थोड़ी देर पहले का बहुत अच्छा सेशन हुआ था यहाँ पे EDII का, इंटरप्रेट डेवलपमेंट का,
उसी तरीके का एक थॉट है जिसको इंक्यूबेशन कहा जाता है। जब आपने देखा होगा कोई एक न्यू बॉर्न बेबी जब इस धरती पर आता है तो सबसे पहले उसको एक ग्लास के बॉक्स में रखा जाता है। देखा होगा आप लोगों ने हॉस्पिटल में, वो जन्म के उसको दो चार दिन या एक दो दिन के बाद में उसको इंक्यूबेट किया जाता है, उसको इस धरती के टेम्परेचर से मेंटेन किया जाता है ताकि, क्योंकि जनरली उसको निमोनिया हो जाता है या समथिंग समथिंग उसको बीमारी हो जाती है। तो सेम चीज कोई भी स्टूडेंट जो अभी पास आउट होता है या पास होना है टेंथ के बाद ट्वेल्थ के बाद में, वो अपने फ्रेंड्स को देखता है तो उसके उसके जो माइंड को इंक्यूबेट किया जाता है, ये वर्ड वहाँ से आया। और इंक्यूबेशन सेंटर्स में डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कोर्सेस जो कि जॉब ओरिएंटेड होते हैं उनकी ट्रेनिंग भी NSIC प्रोवाइड करता है। और ऑल ओवर इंडिया में अराउंड 15 सेंटर्स इसके इंक्यूबेशन सेंटर्स के हैं, जिसमें हर सेंटर में डिफरेंट डिफरेंट एरिया वाइज, जैसे अलीगढ़ में बात करें तो ताला इंडस्ट्री है, लॉक इंडस्ट्री, तो उससे रिलेटेड वहाँ पे ट्रेनिंग दी जाती है। इसके अलावा राजकोट फाउंड्री इंडस्ट्री रिलेटेड है, तो वहाँ से फाउंड्री रिलेटेड CNC VMC ऑटोमेशन और अलग अलग डिफरेंट 56 टाइप के कोर्सेज, तो ऐसे इंक्यूबेशन सेंटर भी NSIC यहाँ पे चलाता है। और इसके अलावा जो मैंने आपको डिफरेंट जो एक स्पेशली जो मैंने बताया कि नेशनल SC ST हब, अब मैं उसके बारे में बात करता हूँ। तो नेशनल SC ST हब एक एक प्लेटफॉर्म दिया गया, जैसे हम दमन एंड दीव सिलवासा टेरिटरी में है, तो यहाँ पे जो सिलवासा और दादरा नगर हवेली है यहाँ पे शेड्यूल कास्ट के काफी एंटरप्रेन्योर्स हैं जो कि अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए काम करते हैं। तो ये स्कीम्स उन लोगों के लिए, फ्रेंड्स आप स्टूडेंट जितने भी हैं, हो सकता है आपके फादर या आपके कोई इनका बिजनेस हो, सो आप इस स्कीम में बेनिफिट ले सकते हैं। ये जो नेशनल SC ST हब है, ये 2016 में हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसको इनॉग्रेट किया गया। और इसका जो काम था वो ये था कि पब्लिक प्रोक्योरमेंट पॉलिसी, यानी कि जो गवर्नमेंट की जो खरीद पॉलिसी है उसको आगे बढ़ाया जाए। हम सभी जानते हैं कि शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के जो जितने भी एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको काफ़ी प्रॉब्लम्स आती है बिजनेस को करने के लिए, तो सिर्फ और सिर्फ उन्हीं के लिए इन स्कीमों को इम्प्लीमेंट किया गया। इसका जो मकसद था वो ये था कि जो SC ST कम्युनिटी से बिलोंग करते जो एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको मेन स्ट्रीम में कैसे लाया जाए। इस स्कीम के अंदर जो अलग अलग, इसमें टोटल 9 से 10 स्कीम्स हम अलग अलग चलाते हैं। ये अभी जो आपको जो MSME सूक्ष्म लघु और मध्यम का जो जो मैंने डेफिनेशन जो आपको बताई उसका यहाँ पे डिटेल है। दोस्तों MSME को जैसे सभी के पास में आपके पास में आधार कार्ड होता है, सेम चीज MSME को डिफाइन करने के लिए या MSME का डेटा इकट्ठा करने के लिए, अभी तक जो गवर्नमेंट पास डेटा अराउंड 70 लाख MSME गवर्नमेंट पास रजिस्टर्ड 70 लाख। जैसा आपका आधार कार्ड होता है वैसा ही उद्यम आधार सर्टिफिकेट एक होता है जो कि ये डिफाइन करता है कि आप MSME रजिस्टर्ड है। अभी तक का जो डेटा 70 लाख का है और ये काफी इजी प्रोसेस है, सेल्फ डिक्लेयर्ड डॉक्यूमेंट होता है। कोई भी यूनिट जो स्टार्टअप है या कोई भी जो अपना खुद का जिसके पास में नहीं है वो अपना उद्यम खुद बना सकता है। टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसका कोई भी चार्ज कहीं से भी कोई नहीं लिया जाता। जो SC ST हब में जो मेन स्कीम्स हैं, जैसे भी यहाँ पे कैपिटल सब्सिडी की भी बात हुआ, सो फोर SC ST एंटरप्रेन्योर्स जो हैं SC और ST से बिलोंग करते हैं उनके लिए यहाँ पे स्पेशल क्रेडिट लिंक कैपिटल सब्सिडी के तहत 1 करोड़ तक का लोन अवेलेबल होता है, जिसमें 25% सब कैपिटल सब्सिडी होती है। ये लोन प्लांट और मशीनरी के लिए मिलता है और ये जैसे स्टार्टअप स्कीम या PMEGP में आप सिर्फ एक बार लोन अवेल कर सकते हैं। SC LCS के अंदर हर साल यूनिट अपने एक्सपेंशन के लिए इस लोन को अवेल कर सकती है अप टू 1 करोड़ तक। और इसके अंदर सर्विस सेक्टर को भी ऐड किया है, कोई टैक्सी सर्विस वाला है तो अगर टैक्सी खरीदना चाहता है, टैंकर खरीदना चाहता है या ट्रेलर खरीदना चाहता है ट्रांसपोर्ट सर्विस के लिए, वो भी आप अपने इस सर्विस को उसमें अवेल कर सकता है। सेकंड है असिस्टेंट मार्केटिंग असिस्टेंट स्कीम। इस स्कीम में
इस स्कीम में जो भी SC ST एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको बेनिफिट दिया जाता है एग्जीबिशन और पार्टिसिपेशन का, जैसे आप पीछे एक एग्जीबिशन देख रहे हैं, अगर कोई SC ST यूनिट अगर एग्जीबिशन इस टाइप के लगाती है तो डोमेस्टिक में उसको 4 एग्जीबिशन टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट 100% सब्सिडी और पर एग्जीबिशन 1.5 लाख रुपए तक का सपोर्ट SC ST आपकी तरफ से मिलता है। इसी के साथ एक्सपोर्ट के लिए अगर कोई यूनिट एक्सपोर्ट करती है और अपना बिजनेस को आगे आपका विदेशों में भी ले आना चाहती है तो अगर वहां पे किसी एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट करना चाहती है तो उसमें भी 2 एग्जीबिशन जिसमें 3 लाख रुपए तक का सब्सिडी मिनिस्ट्री ऑफ MSME उनका उठाती है। तीसरी है दोस्तों SPRS सिंगल पॉइंट रजिस्ट्रेशन स्कीम, ये एक NSIC यानी कि राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम की स्कीम है जिसके अंदर कोई भी यूनिट रजिस्ट्रेशन करके फ्री ऑफ कॉस्ट में टेंडर भर सकती है, उसको EMD एग्जिमिशन का फायदा मिलता है प्लस जो L1 प्लस 15% का प्राइस बेनिफिट भी मिलता है। तो ये एक बहुत अच्छी स्कीम है जिसको कोई भी यूनिट अगर किसी को रेलवे में टेंडर डालता है, कोई और भी कहीं पे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन टेंडर डालता है तो SPRS यानी कि सिंगल पॉइंट रजिस्ट्रेशन स्कीम के द्वारा वो फ्री ऑफ कॉस्ट में टेंडर भर सकता है, साथ ही साथ उसको EMD एग्जिमिशन का बेनिफिट भी यहाँ मिलता है। एक और बहुत अच्छी स्कीम है वो जितने भी इसमें ये रिम्बर्समेंट स्कीम कहा जाता है कि जितने भी ई खादी हो गया या B2B MSME मार्ट हो गया SPRS हो गया या जितने भी ये एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल की फीस है ये अगर कोई मेंबरशिप लेता है तो उसका रिम्बर्समेंट SC ST हब के द्वारा उन यूनिट्स को दिया जाता है। टेस्टिंग चार्ज हर यूनिट, हम जानते हैं कि जो भी ISI मार्क हो गया या PSI मार्क हो गया हर यूनिट अपने प्रोडक्ट को स्टेबल करने के लिए टेस्टिंग करवाती है। सो थ्रू SC ST हब वो जितना भी अपना उसका जो बिल बनता है उसका 80% और इन फाइनेंशियल ईयर 1 लाख रुपए तक का सपोर्ट यानी कि रिम्बर्समेंट इस स्कीम के द्वारा SC ST यूनिट्स को दिया जाता है। इसी के साथ बैंक लोन प्रोसेसिंग फीस का भी, अगर किसी यूनिट ने बैंक से लोन लिया हुआ है तो उसका जो प्रोसेसिंग फीस बैंक लेती है उसका भी रिम्बर्समेंट इस स्कीम में उन यूनिट्स को दिया जाता है। सेम चीज अगर कोई यूनिट टेंडर भरती है तो उसको टेंडर भरने के लिए उसको बैंक गारंटी बनवाना पड़ती है तो उसको भी इसके अंदर में जो बैंक गारंटी के लिए जो बैंक प्रोसेसिंग फीस लेता है उसका भी रिम्बर्समेंट यूनिट को यहाँ पे दिया जाता है। B2B की जो MSME मार्ट की जो मेंबरशिप फीस है वो पहले साल में फ्री ऑफ कॉस्ट होती है फॉर SC ST यूनिट्स और नेक्स्ट ईयर से उसको 80% सब्सिडी के साथ में वो बेनिफिट दिया जाता है। और साथ में सबसे इम्पोर्टेंट यूथ के लिए जो कि ट्रेनिंग ले, सभी ने IIT IIM और इसलिए सारे टॉप मैनेजमेंट सुने हुए हैं। सो जो SC ST MSMEs हैं उनके जो चलाते हैं या उनके जो मेंबर जो होते हैं एंटरप्रेन्योर्स उनको SC ST के द्वारा एक मौका दिया जाता है। IIT और IIM जैसे टॉप 50 मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट में कोई भी हो सकता है, XLRI हो सकता है, वहाँ के वो अप टू 1 मंथ तक के कोर्स कर सकता है जिसका रिम्बर्समेंट अप टू 1 लाख रुपीज तक और जो फीस वो पे करते हैं उसका 90% SC ST हब के द्वारा रिम्बर्समेंट किया जाता है। ये कुछ ग्राफ है जो कि जो SC ST हब बनने के पहले का और बनने के बाद का जो प्रोक्योरमेंट हुआ है या जो अपग्रेडेशन हुआ है उससे रिलेटेड है। जैसे मतलब कि ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में हमने बताया कि ट्रेनिंग टेक्नोलॉजी सपोर्ट से ट्रेनिंग उनको प्रोवाइड की जाती है तो जैसे EDIA भी प्रोग्राम था, EDIA के द्वारा लास्ट ईयर 5,000 SC ST एंटरप्रेन्योर्स को फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग देने का काम यहाँ पे किया गया। इसी के साथ CPET हो गया, IRMA हो गया, डिफरेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं जहाँ से ट्रेनिंग दी जाती है। हाँ दोस्तों, जैसे मैंने बताया कि जो ये डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस पे मिनिस्ट्री ऑफ MSME के अंडर में SC ST हब बने हुए, टोटल 15 ऑफिसेस हैं, आगरा, लखनऊ, गुजरात में सूरत में है, इसके अलावा शिलोंग, गुवाहाटी, चेन्नई, बेंगलुरु, कोलकाता, हैदराबाद, इन डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस के ऊपर ये ऑफिसेस काम करते हैं।
जितने भी सीपीएससी हैं और जितने भी एमएसएमई हैं उनके बीच में एक टाइप का काम नेशनल एससीएसटी हब और एनएसआईसी करता है थ्रू द एसवीडीपी स्पेशल वेंडर डेवलपमेंट प्रोग्राम्स हम करते हैं, मीटिंग्स करते हैं, अवेयरनेस प्रोग्राम्स करते हैं, साथ ही डेटा शेयरिंग का काम भी करते हैं कि किन्हीं यूनिट्स को कुछ प्रोडक्ट चाहिए, किसी ONGC हो गया, इनको कोई स्पेशली रेलवे को, तो वो डेटा हम उनके साथ शेयर करते हैं ताकि वो यूनिट्स से डायरेक्टली पहुंच सके। तो ये कुछ की हाइलाइट्स हैं। सो होप आप लोगों को इसमें से कुछ भी अगर मिला हो तो आप जरूर आपने कुछ इसमें लिया हो या तो आप अपने पेरेंट्स को बताएं और जो भी एंटरप्रेन्योर्स यहाँ पे हैं वो अपने और साथियों को बताएं। थैंक यू। अब मैं बुलाना चाहूंगा मिस्टर विनोद राज अंगेरिया, मेंबर सिल्वासा मैन्युफैक्चरर्स इंडस्ट्रियल एसोसिएशन। सर, यू कैन स्टार्ट दिस सेशन, पैनल डिस्कशन। Thank you very much. Very good afternoon to all of you, all the dignitaries on the dais and the assembled house. We are here to discuss about the MSME and the government. On behalf of the government, Sri Krishna Chaitanya ji has already enlightened the house about what the MSME is about and what are the government schemes and what they are doing now and in future for development of the MSMEs across pan India. Mr. Kuldeep has fairly given a very good idea about what NSIC is doing for the benefit of the MSMEs. हमारा हिंदुस्तान बहुत बदल रहा है, हम जानते हैं। आप सब तो अभी बच्चे हैं, लेकिन करीब 40, 45, 50 साल पहले जब इंडस्ट्रीज लगानी होती थी उस वक्त बहुत सारी दिक्कतें आती थी, लेकिन अब थैंक्स टू द गवर्नमेंट स्कीम्स 2006 से जब से MSMEs आई हैं उनको बूस्टअप देने के लिए बहुत सारी स्कीम्स बनाई गई और आज हम देख रहे हैं कि MSMEs आर हैंडसमली कंट्रीब्यूटिंग टू द ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी। Roughly 27% of the GDP is coming from MSME sector and about more than 11 crores of employees are working in the MSMEs across India. This is what is the latest data as of now that we come across. We have a elite panel here and I would like to put some initiate a discussion about MSMEs, about MSME policy, what the government of India has been doing. Sri Chaitanya Krishna sir has already enlightened. We have with us Mr. Ajit Yadav ji, from President of the Dadra Nagar Haveli Industries Association. I would like to ask him, sir, how MSMEs can adopt new technology to improve manufacturing and operational efficiency. I invite him to kindly share his views at the dais, please. Thank you, sir. Manch pe upasthit hamare DIC ke pramukh Shri Chaitanya sir, udyog jagat se mere saathi Shri Pawan ji, NIC के मैनेजर कुलदीप सिंह जी, विनोद जी, यहाँ पे उपस्थित सभी डिग्निटीज, स्टूडेंट्स और इंडस्ट्री से आए हुए, विभिन्न तरह की इंडस्ट्री से आए हुए साथियों, जो इस तरह का जो आज हम आयोजन जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं अपने दमन में, ये हमारे प्रशासक मोदी जी के द्वारा एक पहला प्रयास है और इसकी एक शुरुआत है। आज मेरे को यहाँ पे MSME के प्रोडक्शन और उनकी मॉडर्नाइजेशन और उनका ऑटोमाइजेशन के बारे में बोलने के यहाँ पे बुलाया गया है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को थोड़ा, अभी कुलदीप सिंह जी ने आपको MSME के बारे में बताया और खासकर आप यंग स्टूडेंट्स जितने भी यहाँ पे बैठे हैं, आप सब लोगों के सपनों के पूरा करने के लिए ये जिंदगी में एक बहुत ही अहम रोल निभाने वाली संस्था है। बच्चों को मैं इतना ही बोलना चाहूंगा कि अगर आप सपने देखने शुरू करेंगे पढ़ाई के टाइम से, अभी से ही, तो जीवन में कोई भी काम आपको ऐसा नहीं है जो आप नहीं कर पाएंगे। और हमारे प्रधानमंत्री श्री, हमारे प्रशासक श्री ने पहली बार उद्योग जगत को इतनी अहमियत दी है कि आज से पहले MSME को तो एक छोटी इंडस्ट्री के रूप में जाना जाता था, उसमें कोई ज्यादा ध्यान नहीं था सरकार का,
लेकिन अभी पिछले कुछ वर्षों में एमएसएमई का जैसे अपने चैतन्य सर ने बनाया उसकी हमारी लिमिट भी बढ़ाई गई है और उसमें विशेष तरह के प्रोत्साहन पैकेज गवर्नमेंट के द्वारा दिए गए हैं। और ताजा हाल में कल हमारे प्रशासक श्री जी ने उनके एक मार्गदर्शन में एक नई एमएसएमई लॉन्च स्कीम लॉन्च की है जो हमारे संघ प्रदेश दमन दीव दादरा नगर हवेली के लिए स्पेशली डिजाइन की गई है। साथियों, कल केंद्रीय मंत्री श्री पीयूष जी ने भी बताया कि अब वक्त बदल रहा है, गवर्नमेंट बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स को एक इंसेंटिव दे रही है, एक नई टेक्नोलॉजी के हिसाब से, नई प्रोडक्शन के हिसाब से, नई क्वालिटी के हिसाब से, और अपनी इंडस्ट्री को वर्ल्ड में हर तरीके से, चाहे वो क्वालिटी हो, क्वांटिटी हो, उसके हिसाब से उनको प्रोत्साहन दिया जा रहा है कि वो कॉम्पिटिटिव करे और अपने कंपीटर्स कंट्रीज चाइना, वियतनाम, कोरिया, उनके समक्ष हमारे देश को खड़ा किया जाए। और केंद्रीय मंत्री जी ने कल ये भी बताया कि एक बड़ी इंडस्ट्री आती है और अभी कुलदीप सिंह जी ने भी बताया वो अपने साथ साथ कई एमएसएमई इंडस्ट्रीज को भी प्रोत्साहन देती है, उनको सपोर्ट करती है। तो इस माहौल में जब सब तरफ तरक्की और एक प्रोत्साहन का माहौल हो तो एमएसएमई का भी एक फर्ज बन जाता है कि वो जो अपना प्रोडक्ट बनाए वो बहुत ही उच्च गुणवत्ता का, बहुत ही कॉस्ट कॉम्पिटिटिव, ऑटोमाइजेशन, इस प्रणाली को अपना के अपने आप को ये साबित करे कि उनका भी प्रोडक्ट किसी लार्ज स्केल और किसी वर्ल्ड की किसी भी इंडस्ट्री से कम नहीं है। और अगर आप देखेंगे दमन दीव एंड दादरा नगर हवेली में बहुत सी ऐसी एमएसएमई इंडस्ट्री है, उनके यहाँ स्टॉल भी लगे हुए हैं जिनके प्रोडक्ट आज वर्ल्ड में किसी से भी कम नहीं है। बस ये तो अपने मन के अंदर एक अपने को एक फीलिंग लानी है और एक जोश के साथ अपने को काम में जुट जाना है। आज डिजिटल का जमाना है, ऑटोमाइजेशन का जमाना है। हमारी गवर्नमेंट ने हमारी नई स्कीम में भी मॉडर्नाइजेशन के लिए, ऑटोमाइजेशन के लिए और तरह तरह के डिजिटल, यहाँ सिलवासा में कुछ छोटी फैक्ट्री ऐसी भी सिर्फ मोबाइल ऐप का ही अपना सारा काम करती हैं और अच्छे अच्छे सॉफ्टवेयर डेवलप हो गए हैं, अच्छी अच्छी टेक्नोलॉजी, मशीन की एफिशिएंसी हो, प्रोडक्शन हो, क्वालिटी हो, और चाहे प्रोडक्ट का कोई भी उसमें उसकी गुणवत्ता हो, उन सबको ध्यान में रखते हुए तरह तरह के सॉफ्टवेयर डेवलप हो गए हैं। और गवर्नमेंट भी अपनी इस स्कीम्स के जरिए मॉडर्नाइजेशन के लिए तरह तरह के प्रोत्साहन दे रहा है। तो एमएसएमई के लिए आज ये उनका कर्तव्य बन जाता है कि वो अपने प्रोडक्ट की गुणवत्ता सुधारने के लिए आ गया है और गवर्नमेंट की जो स्कीम्स हैं उनका फायदा उठाए। क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने भी बहुत देखा है कि जो भी अपनी मीडियम और स्मॉल इवन माइक्रो इंडस्ट्री है, जिन्होंने भी गुणवत्ता से अपने काम किया, आज वो एक बहुत अच्छा ब्रांड बन गए हैं। और ब्रांड की कीमत ऐसी है जो आपके सदियों तक आपके साथ चलने वाली है। चाहे वो आप छोटी सी इंडस्ट्री देखें, कोई पापड़ देखें, मसाला देखें, बड़ी इंडस्ट्री में जाएं, कुछ फूड प्रोडक्ट्स देखिए, आप जो ब्रांड की चीज़ एक बार जो गुणवत्ता के साथ, अच्छी क्वालिटी के साथ, कॉस्ट एफिशिएंसी के साथ बाजार में आती है तो थोड़े दिन के बाद कस्टमर को, चाहे उनको B2B सेल करना हो, B2C सेल करना हो, कस्टमर पहले ही उस पर हाथ रखता है। चाहे आज पुराने हमारे कंट्री में ऐसे 100-100 साल पुराने ब्रांड हैं, चाहे वो पार्ले जी हो, जो लिप्टन हो, मतलब बड़ी कंपनियों में है लेकिन वो उनकी शुरुआत भी छोटी सी हुई है। जो हमारी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उन्होंने भी जो एमएसएमई में अच्छे प्रोडक्ट या अच्छे गुणवत्ता के साथ काम करते हैं उनको टेक ओवर करते हैं या उनसे अलाइन करते हैं या उनके प्रोडक्ट को वो अपने पोर्टफोलियो में लेते हैं। किसी भी तरीके से अच्छा काम, गुणवत्ता का काम, कॉस्ट एफिशिएंसी का काम, ये हमारे काम भी आता है और हमारे प्रोडक्ट को, हमारी इंडस्ट्री को बढ़ाने के लिए बहुत ही मददगार साबित होता है। तो साथियों, अभी समय आ गया है कि हम वर्ल्ड के लिए कॉम्पिटिटिवनेस तैयार करें, अपने प्रोडक्ट को एक वर्ल्ड लेवल पे ले जाएं। इसमें मन में ये ना सोचें कि हमारी इंडस्ट्री छोटी है या बड़ी है, क्योंकि छोटा ही एक दिन बड़ा बनता है। लेकिन अगर आपके प्रोडक्ट में गुणवत्ता है, आपके सपनों में दम है, तो कोई दुनिया की ताकत नहीं है। गवर्नमेंट की हमको, हम आगे बढ़ने से गवर्नमेंट की हमको पूरी सपोर्ट मिली हुई है। खासकर हमारे प्रशासक महोदय जी ने कल
जो स्कीम लॉन्च की है वो उसका पूरा केंद्र बिंदु ही एमएसएमई है, उसमें लार्ज स्केल के लिए कोई बहुत बड़ा स्कोप नहीं है। और अगर कोई भी एमएसएमई इंडस्ट्री पूरे अपने दमन दादरा नगर हवेली से अपने प्रोडक्ट को इम्प्रूव करने के लिए, मॉडर्नाइज करने के लिए, उसको लैब, उसको आईएसओ में जाना है, उसको लेबोरेटरी के इंस्ट्रूमेंट्स खरीदने हैं, सब तरह के उसमें प्रोविजन हमारी डीआईसी डिपार्टमेंट ने उसमें बड़ी ही रिसर्च के साथ रखे हैं। तो मैं सभी लोगों से अनुरोध करूंगा कि आप इन सब चीज़ों का फायदा उठाएं, अपने प्रोडक्ट को एक बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव एंड क्वालिटी वाइज उसको शुरू से ही लेके चले। तरह तरह की जो मशीनें हैं आज सब कुछ अवेलेबल है हमारे पास, गवर्नमेंट की सलाह हमारे पास, गवर्नमेंट की मदद हमारे पास अवेलेबल है। तो मैं उम्मीद करता हूँ, क्योंकि आज एमएसएमई, आप यकीन नहीं करेंगे, हमारे एक्सपोर्ट का बहुत बड़ा हिस्सा रहा, 40% एक्सपोर्ट एमएसएमई से होता है, 40% या 50% के आसपास रोजगार एमएसएमई से है। तो आज एमएसएमई को हल्के लेने की जरूरत नहीं, हमारे प्रधानमंत्री श्री ने भी एमएसएमई की अहमियत को जाना है और उनका सारा केंद्र बिंदु उद्योग का एमएसएमई के ऊपर ही केंद्रित है। और इसमें कोई कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि इज द बैकबोन ऑफ इंडस्ट्री ऑफ अवर कंट्री इज द एमएसएमई इंडस्ट्री। तो साथियों, एमएसएमई को हम बहुत ऊंची ऊंचाइयों तक लेके जाना है, गुणवत्ता के साथ, क्वालिटी के साथ, कॉस्ट एफिशिएंसी के साथ, ऑटोमाइजेशन के साथ। तो सभी से अनुरोध करूंगा इन योजनाओं का लाभ उठाएं और अपनी यूनिट को एक बहुत ही कॉम्पिटिटिव यूनिट बनाएं और आगे बढ़ें। धन्यवाद, थैंक यू। Thank you, sir. Thank you very much for your kind words and enlightening the house about the MSMEs and its value that the Indian economy deserves. As we all know, you rightly said, MSMEs contribute around 45% of the manufacturing output and approximately 40% of the country's exports. It won't be wrong to refer them as the backbone of the country. MSMEs have played a very essential role in providing employment opportunities in rural areas. Now, this is where ultimately we have to track the skill and the talent. We have on the panel here Mr. Pawan Agarwal representing the Daman Industries Association. Sir, I would like to invite you for giving an idea about what should be the ease of doing business in MSME and what the government should also try to help us and what the ensuing entrepreneurs should take up steps about ease of doing business and what are the challenges, if we can sum up some of them, please. Mr. Pawan Agarwal. Namaskar. Main Pawan Agarwal hoon, Daman Audyogik Sangh ka adhyaksh. Manch par virajman डायरेक्टर इंडस्ट्रीज मिस्टर कृष्णा सर, हमारे सिलवासा एसोसिएशन से अध्यक्ष श्री यादव जी, मिस्टर सिंह साहब, और आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ। एक वक्त था जब भारत को कृषि प्रधान देश कहा जाता था। आज आपको बता दूं कि कृषि के बाद अगर एम्प्लॉयमेंट को जनरेट कर रहा है तो एमएसएमई सेक्टर कर रहा है, यानी हमारे स्मॉल इंडिया एंटरप्रेनर कर रहे हैं। दूसरी बड़ी बात कि आपको अपने ऊपर गर्व होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी संख्या में बच्चे हमारे बीच में हैं, कि आपका जहां पर ये पढ़ाई, जहां पर लालन पालन चल रही है, जब 2-3-4 साल के बाद अपने एंटरप्रेन्योर लाइफ में आप आएंगे तो आप ऐसे प्रदेश में हैं, ऐसे ईज ऑफ डूइंग के प्रदेश में हैं जहां पर 7,000 फैक्ट्रियां रन कर रही हैं, सक्सेसफुल रन कर रही हैं, ऐसे 5,000 से ज्यादा एमएसएमई। मैं आपको आवेदन करूंगा कि एक बार ताली बजा के आप खुद को धन्यवाद प्रस्तुत कीजिए। और यहाँ की सरकार, यहाँ का जो प्रशासन है, दमन दीव दादरा नगर हवेली का, और उनके कुशल नेतृत्व में माननीय प्रफुल्ल पटेल साहब हैं, जिनका ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और हमेशा उद्योगों के लिए हमेशा हर कदम पर रेड कार्पेट लेके आपके लिए है। तो आपको जैसे ही अपने एंटरप्रेनर लाइफ में जाएंगे तो आपको कोई भी उद्योग लगाना हो इस प्रदेश में तो बहुत आसान है। सरकार आपके साथ में है, बैंक आपके साथ में है, सरकार के विभिन्न योजनाएं आपके साथ में, मुद्रा योजना से लेके एमएसएमई लोन तक साथ में है,
और सारे लीड बैंक और सारे लीड यहाँ पर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट आपकी मदद के लिए बैठे हुए हैं। खुद कृष्ण साहब रात दिन इंडस्ट्री के लिए बारे में बात करते हैं हम लोगों से। आप जिला उद्योग केंद्र के प्रमुख भी हैं, डायरेक्ट इंडस्ट्रीज भी हैं और बहुत सारे पोर्टफोलियो आपके पास भी हैं। बहुत सारे आंकड़ों में मैं नहीं जा रहा हूं कि शायद आंकड़े अभी आपके समझ में नहीं आएंगे। जो लोग कॉमर्शियल स्टूडेंट हैं उनके तो थोड़े बहुत समझ में आ जाते हैं, लेकिन बहुत चीजें टेक्निकल भी होती हैं। आप कुछ भी सोचिए, आज आप आसपास जो कुछ खरीदते हैं, चाहे ऑनलाइन खरीदते हैं ऑफलाइन खरीदते हैं, तो घर में चीजें रोजमर्रा की चीजें आपको घर के वस्तुएं आती हैं, आपके इस्तेमाल के लिए आ जाती हैं। बचपन से भी आपने यहाँ पर चीजें खरीदी होंगी या घर के माँ बाप ने लाके आपको दिया होगा। खिलौने से लेके हवाई जहाज तक के बारे में आप सोचिए। सोचने का कोई पैमाना अब इस देश में उसको सीमित नहीं रखा जा सकता है। सब कुछ बना सकते हैं आप, और सब चीजों के लिए टेक्निकल नो हाउ से लेके आपकी आइडियाज को जमीन पर उतारने के लिए सब कुछ यहाँ पर चीजें उपलब्ध है। आप उसको एक खाका खींचिए, एक प्लान कीजिए। यहाँ पर आईटी सेक्टर भी है, आईआईटी इंस्टीट्यूट भी है जो टेक्निकल एंगल से भी आपको मदद करेगी। बैंक भी है सपोर्ट के लिए है, नॉन कॉलेक्टिकल आपको सिक्योरिटी के बाद बिना सिक्योरिटी के आपको फाइनेंस मिलता है। एक ऑनलाइन करके आपको बाजार भी बहुत बड़ा मिला हुआ है, और आप लकी हैं कि मुंबई से लेके अहमदाबाद के बीच में एक सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल हब है। तो आपको सोचने की कोई सीमाएं नहीं है, काम करने के अंदर आपको पूरी उत्साह है। आप अपनी पूरी लगन पूरी मेहनत से इस प्रदेश में कोई भी उद्योग लगा सकते हैं, क्या छोटा क्या बड़ा, पापड़ से लेके सब कुछ आप बना सकते हैं, घरेलू उद्योग से लेके इंजीनियरिंग तक का काम कर सकते हैं। आपको अपनी बहुत बहुत आभार, शुभकामनाएं, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आप सब जानते हैं, आप सब स्टूडेंट हैं, थोड़ी देर पहले आप लोगों को एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में बताया गया था। आप सबों के मन में धीरे धीरे सपना पलेगा और आगे चल करके हिंदुस्तान की तकदीर में आप सब अपना यकीनन योगदान देने वाले हैं, इसका हमें पूरा विश्वास है। और इस मंच से जो MSME के बारे में, जो कि शायद पहली सीढ़ी होगी जब आप कोई बिजनेस करना चाहेंगे, और जो आपकी पहली सीढ़ी होगी, तो उस वक्त आप सोचेंगे कि मुझे माइक्रो स्मॉल या मीडियम एंटरप्राइजेस के रूप में अपने सपनों को आकार देना है, कंपनी फॉर्म करनी है। और यकीन मानिए कि गवर्नमेंट की पूरी मशीनरी आपको आगे बढ़ाने के लिए तत्पर है। मेरा ख्याल है काफी समय हो चुका है, एंड वी हैव हैड इनफ अबाउट MSMEs। बाकी डिटेल्स तो वैसे गूगल पे मिल जाती हैं, लेकिन यहाँ अच्छा इंटरेक्टिव सेशन हुआ। नाउ आई विल रिक्वेस्ट मिस्टर पंकज टू काइंडली कम फॉरवर्ड एंड ऑफर द वोट ऑफ थैंक्स एंड कंक्लूड द सेशन प्लीज।